थर्ड मैंने देखा जो हमारे लैब पे काम चल रहा था, तो मुझे बहुत अच्छी लगी। मुझे लगा क्यों नहीं इंडो नेपाल एक ऐसी फिल्म वर्ल्ड वाइड इसको रिलीज करें, ताकि नेपाल इंडस्ट्री के लिए भी ग्रोथ मिले, उसका डेवलपमेंट हो, और वर्ल्ड वाइड ऐसे टैलेंट जो है जैसे प्रदीप है, रिश्तेदार है, जैसे टैलेंट और आ गया है, उसकी लिए भी प्रेजेंट किया वर्ल्ड वाइड रिलीज करने का प्रयास करूँगा। क्या कहना चाहेंगे जब इंडिया में जो फिल्म रिलीज हो रही है, यू कैन सी यू नो वी आर हियर जस्ट फॉर यू टेक योर इंटरव्यू टू टॉक अबाउट द फिल्म। I'm feeling overwhelmed actually. First of all, thank you for your presence. All I want to say is we India and Nepal not only has open border, but we both of us have open heart to our guests, and I think we will be more than welcome here. Thank you, and thank you Suhasa for this opportunity and everything. Thank you. To the director now, if you can throw some light on it, you know, if the film is here in India for the Indian audience, and we India love every content, you know, tell us what is so important about it, and Subhas sir himself presenting the film here in India. ऐसा हुआ था, हमने सुभाष सर के स्टूडियो में जब काम किया, उधर जब हमारा सब काम खत्म हो गया, ट्रेलर देखने के लिए मैंने सुभाष सर को मिक्सिंग रूम में ले गया, फिर उन्होंने इसको क्यों ना इसको वर्ल्ड वाइड रिलीज कर दिया। आप लोगों ने हमने तो ये OTT के लिए सोचा था, लेकिन सुभाष सर ने ऐसा प्लेटफॉर्म दिया इसको वर्ल्ड वाइड थिएटर में रिलीज कर दिया। फिर मैं सुभाष सर को जाता हूँ, आप लोगों के सामने इतना सपोर्ट किया है, एक नेपाल और इंडिया का जो दोस्ताना है ये फिल्म के जरिए और मौजूद होता है। थैंक यू सर। क्या कहना, आप क्या कहना चाहेंगे? सुभाष जी ने मुझे एक्चुअल में इसका टेलर था, और उसके बाद उन्होंने बोला पिक्चर बहुत अच्छी है, हम इसको साथ में करते हैं, और टेलर देने के बाद मुझे ऐसा लगा कि वास्तव में पिक्चर उठाना आने वाले समय में शायद इंडिया बॉलीवुड को थोड़ा सा अलग हट के कुछ देने वाले। तो बाकी मैं सुभाष जी के साथ ही था। मैम व्हाट यू हैव टू से? और प्रेम गीत movie in my career, you know, and then it's turning out to be an Indo-Nepali movie, and I feel very blessed, and it's like out of my imagination. Who would have thought, you know, Nepali movie would make it like over here as well, so I feel very blessed. Whom do you want to give the credit to, you know, you are here in India, the cast is here in India, the film is releasing in India worldwide. Yeah, all the credit goes to my producer Santosh Singh, Subhas Kaleji, and our producer Susama Siromani. Siromani, yeah. Thank you. Subhas, is there a possibility, you know, whenever a film becomes a huge hit across the globe, there are possibility, you know, uska remake banaya jata hai ya uspe adaption kiya jata hai, Hindi adaption hota hai. Is there a possibility ki is film ka kuch aisa ho? Jis tarah ka, jitna tarif aap sab kar rahe hain, aur jitne confident aap lag rahe hain. Actually, film abhi हिंदी और नेपाली में तो रिलीज़ हो ही नहीं, तो अगर साउथ में कुछ अच्छा लगा किसी को तो शायद प्रेजेंट करें, मुझे लगता है साउथ में होगी। थैंक यू। उसका रिमेक बने ना बने, लेकिन मेरे ख्याल से जैसे 7 जन्म होता है उसी तरीके से प्रेमित 7 तक तो डेफिनेटली बनाएंगे। आई लव द वे यू स्पीक इन फिल्म, टेल द रीजन बिहाइंड इट, टेल द रीजन बिहाइंड इट। या For my Hindi tone, yes. I hope it's not funny, but I think ये सब ना श्री राम और शिव जी ने सिखाया, क्योंकि वो जो ना रामायण से ओम नमः शिवाय देख देख के बड़े हुए ना, तो उन्होंने सिखाया। थैंक यू सो मच।